नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, बता दूं भाई दुबई वर्ल्ड में ऐसी कंट्री बन चुकी है जो सबसे पहले कोविड-19 को हरा के एयरपोर्ट खोलना पूरे तरीके से सब कुछ तरीके से 100% ओपन सिस्टम करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी इम्पोर्टेंट बनाना, महत्वपूर्ण स्थान पर प्राप्त करना, ले जाना। जी हाँ साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मंडल होता है एक जो अंतर्राष्ट्रीय जो इस कोविड-19 महामारी में नियंत्रण निरीक्षण करता है कि भाई अगर आप कोई कंट्री पूरा खोल देता तो उसको देखा जाए कि कितने सुरक्षा के इंतजाम हैं, क्या विदेशों के लोग आने वाले हैं एयरपोर्ट के अंदर से जो निकलेंगे वो सुरक्षित हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व जो मंडल, उन्होंने भी बोला कि दुबई का राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो द बेस्ट है, सुचारू है, अच्छा है, जितनी भी उसमें फॉर्मेलिटीज करनी चाहिए थी सब की सब एकदम ओके हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो यात्री दुबई एयरपोर्ट से होकर निकलते हैं वो एकदम हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, उनको किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बता दूं, एक आंकड़े के अनुसार बता दूं, यूएई का जो एयरपोर्ट है साथियों, वहां से प्रतिदिन अभी अगर बात करें प्रतिदिन 20,000 यात्री यूएई दुबई एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। आने का जाने का अगर इनबाउंड और आउटबाउंड देखा जाए 20,000 यात्रियों का पर डे बन रहा है, तो भाई 20,000 यात्री कम नहीं होते इस कोविड-19 महामारी के दौरान। मुझे नहीं लगता इतने यात्री और किसी एयरपोर्ट पे जाते होंगे। जी हाँ, और बता दूं कि दुबई की अर्थव्यवस्था भी इसी सिस्टम पे डिपेंड करती है। दुबई तो आपको पता पर्यटन स्थल है भैया, तो वहाँ पे तो लोग घूमने वाले ज़्यादा होते हैं और तो पूरा सिस्टम उसी पे डिपेंड है। तो उनका अनुमान है कि हमारा जो टारगेट है नवंबर में 2019 जैसा हो जाएगा। समझ रहे हो आप, 2019 में कितनी भीड़ भाड़, कितने लोग आ जा रहे थे करोड़ों में, सेम नवंबर में स्थिति नॉर्मल तरीके से हो जाएगी और दुबई में आने वाले आराम से उनका सिस्टम है। साथियों, दुबई का एयरपोर्ट भैया, ये न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था। 20,000 यात्री आ जा रहे हैं, कितने 50-60 कंट्रियों के लोग दुबई में आ जा रहे हैं, तो अच्छी न्यूज़ ये है। और दो नवंबर में लगभग उम्मीद ये जताई जा रही है कि दुबई वे का एयरपोर्ट है नॉर्मल तरीके से जो पहले चल रहा था उसी तरीके से दोबारा से चलने लग जाएगा। तो भाई इंडिया वाले, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, कैसे भी आप जा सकते हैं। हालांकि दुबई ने आपको पता है सबसे पहले पहल करते हुए 7 जुलाई से ही स्टार्ट कर दिया था, अभी तो अगस्त भी चला गया, यानी 1.5 महीने पहले ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी वीज़ा से रिलेटेड। हालांकि इंडिया में थोड़ा लेट हुआ था 7 अगस्त से, आप बता सकते हैं। तो भाई इंडिया के अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपके पास वैलिड वीज़ा है, चाहे आपके पास विजिट वीज़ा हो, चाहे परमिट वीज़ा हो, आपके पास कोविड-19 की रिपोर्ट है, दुबई जा रहे हैं तो ICA की आपको अप्रूवल लेना जरूरी है। ये सब डॉक्यूमेंट लेके आप आराम से दुबई जा सकते हैं, बिना क्वारंटाइन किए हुए अपना काम करें, घूमें फिरें, जॉब करें, कुछ भी करें, आपकी मर्जी है। तो बस ये आप जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।